तो हेलो दोस्तों, कैसे सब सभी लोग। तो आज हम खेल रहे हैं 1v1 TDM। किसी बंदे ने मुझे चैलेंज भेजा था, तो हम चैलेंज एक्सेप्ट करने से पीछे कभी भी नहीं हटेंगे। तो आज मैं आपके सामने 1v1 TDM की वीडियो लेके आया हूँ। तो आज मतलब शुरू करते चलो। तो यहाँ पे मतलब 2-1 हो गया था स्कोर, और मैं यहाँ पे मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया था मेरे साथ। तो यहाँ पे मुझे पता नहीं क्या हो रहा था, और साथ में मतलब अगर हाथ गीले हों और मतलब रिसेंटली धो के आए हों, और इतना बढ़िया मैच हो और वो भी एग्जैक्ट टाइम पे आ जाए कि मतलब भाई अभी आना है, तो मतलब हाथ पहुंचने का भी टाइम नहीं मिला, तो मतलब अटक रहा था एक जगह पे। तो यहाँ पे मतलब नेट ट्राई करने की कोशिश करी पर चूक गया थोड़ा सा, बंदा आगे पहले चला गया। तो फिर मैंने यहाँ पे फेंक दिया, मैंने कहा एक जगह से तो आएगा ही आएगा, तो मैं यहाँ से घुसा। तो यहाँ से वो आ गया, पर वो आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया, और मुझे यहाँ पे उसने भर दिया। तो फिर मतलब 2-3 स्कोर हो गया था, तो मतलब मैं पागल हो गया था बिल्कुल। तो मैंने कहा भाई इस बार तो इसको हरा के रहना है, चलो भाई घर जाओ। फिर यहाँ पे इसको घर भेजते हुए फिर ये वापस आ रहा था, तो मतलब यहाँ पे मेरा लैग बहुत ज़्यादा हो रहा था, मतलब पिंग सही आ रही थी, थोड़ा सा चिपक रहा था गेम। तो फिर यहाँ पे 3-3 का स्कोर हो गया वहाँ, जब तक मैं यहाँ पे देख रहा था कि मेरा लैग हो रहा है, लैग हो रहा है, लैग हो रहा है, तो वहाँ से वो निकल भी चुका था, कल्टी मार चुका था। तो फिर हम यहाँ से आगे गए, तो हमें पता ही नहीं चला कि वो वहाँ से निकल चुका है। फिर मैं इसके बेस के अंदर घुस गया तो मतलब यहाँ पे भी नहीं था, फिर आगे गया, फिर वहाँ से मतलब मुझे फायरिंग की आवाज़ आई, वो बंदा बुला रहा था भाई इधर आ यार, कहाँ जा रहे है यार, इधर आना। तो फिर मैं उधर जा गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा चिपक रहा था गेम। तो फिर यहाँ से हमने लेवल 3 वैश उठाते हुए फिर यहाँ से मुझे फिर से फायर दिया उसने, फायर देता रहा। मैंने कहा चलो भाई देर दे, पहले अपनी वो कर ले, ख़त्म कर ले, रीलोड ख़त्म कर ले। फिर यहाँ से उसकी हेल्थ को मैंने थोड़ा सा कम किया, यहाँ पे भी ट्राई किया पर नहीं हुआ। फिर वो आगे आ गया, पता नहीं क्यों, पता नहीं हो गया होगा पागल। तो यहाँ पे वो आया, पता नहीं मुझे कैसे ये क्या हुआ, कुछ नहीं पता चला ये कैसे किल हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मतलब हर जगह फायरिंग कर दी, पूरा गोल गोल घूम घूम के फायर कर दिया। तो फिर यहाँ पे मतलब ये आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था, यही हो रहा था, आया गया, आया गया, आया गया। तो हम मतलब हम नूब नहीं हैं, प्रो हैं, हम बहुत बढ़िया वाले प्रो हैं। तो गाइस मुझे प्लीज़ बताना ये 1v1 को, इस जो ये 1v1 TDM मेरा जो आया है, मैंने मतलब वीडियो डाली है, तो आपको ये कैसे लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो को लाइक करके जाना प्लीज़। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बंदा आया, मतलब यहाँ से भर के बख्तिया, ये बंदा यहाँ से आ रहा था। ये देखो मेरा हाथ मतलब ऐसे गीले थे, तो मतलब यहाँ पे मैं मर भी सकता था, पर नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे। तो यहाँ पे हमने बना लिए थे कॉम्बो, बढ़िया कॉम्बो बन रहा था हमारा, बहुत बढ़िया बढ़िया। तो यहाँ पे बंदा आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था, यही हो रहा था उसके साथ, बेचारे के साथ, बंदा पागल हो गया होगा मेरा, होगा यार कैसे मार रहा है, क्यों मार रहा है भाई, क्यों मार रहा है, तो ऐसे हो गया होगा था वो। पर बंदे को मतलब इस बंदे को मैंने बहुत पीटा, बहुत ज़्यादा पीटा। और मतलब ये मुझे क्या कहते हैं, मैं कल गेम खेल रहा था, तो उधर मुझे इसने मुझे चैलेंज दिया था कि कल हम आएंगे TDM 1v1, मेरी 3 की KD है। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, और मैंने कहा मुझे सीधा, मुझे अब आप बस एक बार ही बता दो, अपनी आईडी बता दो, मैं ज़रा देख लूँ मुझे किससे हारना है। तो फिर मैंने कहा कि चलो यार इसको देखते हैं भाई बढ़िया खेलता कि नहीं खेलता। तो आज पता चल गया मुझे कैसे खेलते हैं। और यहाँ पे मतलब मेरी हेलमेट और वेस्ट दोनों गायब थे, तो यहाँ पे पक्का ही मेरा निश्चिंत था मरना। तो उसने 2 शॉट मारे होंगे मुश्किल से, मैं वहाँ पे डेड हो गया। तो यहाँ पे हमने 8 का कॉम्बो बना के गए थे हम, मतलब भाई नूब नहीं हम, तो 8 का कॉम्बो तो बना के गए हम। तो इस बंदे ने मतलब क्या ही, मतलब इसका मुझे लगा कि मतलब बंदा मर चुका है, पर नहीं मरा वो, उसने मतलब देता रहा स्प्रे, आखिरी सांस तक से स्प्रे देता रहा वो, पर ज़्यादा देर तक नहीं। यहाँ पे इसने मुझे फिर से बहुत मतलब बहुत बढ़िया प्लेयर था ये भी, कम नहीं था प्लेयर, क्योंकि इसकी मतलब इसने बोला था कि मेरी 3 की KD है, वो अलग बात है कि 2 की KD हो गई थी, क्योंकि इस बंदे ने लिविक खेला था, ये मुझे बता रहा था कि इसने लिविक खेला था, उसके अंदर ये जल्दी मर जाता था, और मतलब बहुत दिनों बाद इसने गेम खेलनी फिर से स्टार्ट करी थी, तो इसलिए नहीं खेल पा रहा था। चलो कोई बात नहीं ब्रो, यहाँ पे हमारे 11 किल थे, इस बंदे के 6 किल थे। तो यहाँ पे हम प्रो लेवल कैंपिंग करते हुए बंदे को देखते हुए कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा। तो मुझे स्लाइड की आवाज़ आई थी, थोड़ी सी आई थी बिल्कुल ही, तो मतलब
मैंने सोचा पीछे है, पीछे कहाँ से आया मुझे ये नहीं समझ आया। मतलब कैंपिंग के बादशाह वो भी थे, मैं भी था, पता नहीं कहाँ से आया मैंने। मतलब लाइफ राइट हर जगह से देखा था, पर यहाँ पे ये आके जब भी यहाँ पे आया ये बंदा यहाँ पे मर के गया है। मतलब एक दो बार ही इसने मुझे मारा होगा, बाकी सब हर चीज़ में मर के गया है। यहाँ पे जब भी आता था मुंडी कभी भी नहीं दिखाता, मतलब ऐसे मैं तो कभी नहीं दिखाता ब्रो। तो यहाँ पे इसको मैंने हवा में हेडशॉट दे दिया। तो अगर ये वाला शॉट आपको पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। तो मेरे यहाँ पे 13 किलो गए थे, तो यहाँ पे मतलब गंदी तरीके से पिटा था मैंने जल्दी से, मतलब स्प्रे देना शुरू कर दिया था, मुझे पीक लेके स्प्रे देना था ताकि मतलब हेड दिखाता तो ज़्यादा उसके शॉट कनेक्ट होते भी, तो मतलब थोड़े कम ही होते, मैं जल्दी मार देता उसकी पूरी बॉडी थी। तो मैंने यहाँ से सोचा था यहाँ से आएगा तो मैंने फ्री फायर देते हुए घुसा, पर उसने वहाँ से मुझे तब का ही मार दिया, वहाँ से ही मार दिया था। तो यहाँ पे मतलब मेरी थोड़ी सी मतलब हाथ थोड़े ख़राब थे, पर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मार दिया इसको। तो यहाँ पे जब भी यहाँ पे आता था और यहाँ पे प्रो लेवल कैंपिंग करने की कोशिश करता था तो यहाँ पे पिल के वापस चला जाता था। तो फिर यहाँ पे हम फिर से गॉड लेवल कैंपिंग करते हुए, पर यहाँ पे हमने इसको मार दिया। हमारे हो गए थे अब 15 किल और उसके थे 9 किल। तो बढ़िया तरीके से मारा था इस बंदे को। तो हमने यहाँ से आया, मैंने मतलब फ्रेश फायर दिया, फिर यहाँ से ये आएगा मुझे लगा, पर वो वहाँ से आता था हमेशा, दूसरी जगह से आता था, मुझे प्रेडिक्टेबल नहीं था, और यहाँ पे इसने मुझे मार दिया था। फिर मैंने यहाँ पे सोचा कि मतलब मैं उसके पाले में नहीं जाता, उसको यहाँ पे आन देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब भी आता है वो तो मैं मार देता हूँ। पर यहाँ पे मतलब किस्मत का क्या साथ था कि वो यहाँ पे आया, फिर भी उसने मुझे मार दिया। यहाँ पे मतलब पता नहीं क्या हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो क्राउच हो गया अपने आप ही, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो छोड़ते उसको, अब उसका और मेरा सिर्फ 4 का डिफरेंस हो गया था, मेरे 15 किल थे उसके 11 किल थे। तो मुझे मतलब चाहिए था भाई, यहाँ पे मैं मरते मरते बचा था, यहाँ पे मैं मरते मरते बचा था। अगर बंदा आ जाता ना, यहाँ पे आने की कोशिश भी की थी उसने, पर उसका खुद का ही रीलोड आ गया था। तो हम भाई उसको रीलोड करने नहीं देंगे, हम पहले मार देंगे। उसने मुझे करने दिया, ये उसकी गलती। और उसने क्यों नहीं रीलोड किया जब मैं था, तब मुझे ईजिली मार सकता था, क्योंकि मेरी तब तक वो भी नहीं होती। तो यहाँ पे ये पता नहीं इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ भी कोई ग्लिच हुआ कि इसको पता ही नहीं चला कहाँ से आया कहाँ तक हो गया। तो ये यहाँ पे मैं वेट कर रहा था, ये चलो यहाँ पे गया। फिर मुझे थोड़ा सा इसने डैमेज दिया, थोड़ा सा दिया, तो मैंने कहा चल आ जा घर तो आ जा। तो यहाँ पे मतलब ये आ ही गया, मैंने बुलाया तो आ जाता। तो इसको मैं मार नहीं पाया, पर यहाँ पे जब भी आता है तो मतलब इस बार तो इसने मुझे मार दिया था, यहाँ पे भी शायद से मार जाता मुझे। हाँ यहाँ पे इसने मुझे मार दिया था बहुत गलत तरीके से, क्योंकि मेरा वो ही नहीं चल रहा था। आपने देखा होगा कि मतलब मेरा जो आगे जाने का मूवमेंट का बटन जो था मेरा नहीं चल रहा था, एक जगह पे रुक गया अचानक से। तो मतलब शायद मेरे थंब की कोई मतलब होगा कि नहीं चल पा रहा होगा। तो यहाँ पे मतलब इसको लगा कि मैं यहाँ पे हूँगा, हाँ मैं यहाँ पे था, पर इसने मुझे मार दिया है। इसका स्प्रे बहुत अच्छा था बंदे का, पता नहीं किस चीज़ से स्प्रे कर रहा था। यहाँ तो 2x या रेड डॉट उससे स्प्रे कर सकता है, क्योंकि भाई 4x का तो स्प्रे भाई इतना बढ़िया कोई नहीं कर पाया आज तक। तो यहाँ पर मतलब मैंने इसको मारने की कोशिश की, पर मतलब पता नहीं कहाँ पे मेरा एम जा रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे कहाँ मेरा एम जा रहा था कहाँ नहीं जा रहा था। तो 19-14 का स्क्रो गया था। तो यहाँ पे ये बंदे को मैंने आखिरी बारी मारने की कोशिश की, पर नहीं, मैंने कहा यार अब तो भाई मर गया। तो 19-15 से ये मैच जीत चुके हैं प्रीत गेम YT। सो गाइस, अगर ये आपको 1v1 TDM पसंद आया तो वीडियो को कर देना लाइक शेयर और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय।